मैं माइक पर बुलाऊं यहाँ पे जनाब शाहबगर साहब राजापुर सिगरौर को कि आए और इस मुकाबले का आंखों देखाल सुनाए। शुक्रिया। तो बहुत प्यारा यह खेल, पहला मुकाबला पहले सेट खत्म हो चुका है, दूसरा स्टार्ट यहाँ पर है। दोनों टीम अच्छा गेम शो कर रही, दोनों मजबूत टीमें हैं और सही तरीके से गेम शो कर रही है। इसमें सिंह सर्विस खूबसूरत पास किया गया, शॉट गेम थी अच्छा वहां पे डिफेंस और हल्का जवाब दिया गया, तो फिर बहुत ही चाहिए होगा कि अपने मिशन में कामयाब रहे। वाहिद भाई नसीरपुर भी समौता यहाँ देखे जा रहे हैं, इस खेल के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इस खेल में बहुत ही शानदार ये खेल और तमाम लोगों का शुक्रिया, बेहतरीन सर्विस, अच्छा पास, काउंटर, लेकिन फिर वहां पर ब्लॉक किया गया। लगातार नईम खान यानी कंपनी को मात दे रही है ये टीम, बेहतरीन गेम शो कर रही है और पंडित नगीना स्मारक इंटरकाल डिग्री कॉलेज से मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं इस खेल के साथ जुड़ने के लिए। एसके कलेक्शन, एसएचके कलेक्शन कासिम गंज की तरफ से 100 रुपए के नाम दरों का मिट्टो को आया, शुक्रिया। बेहतरीन मेरे कहा संभालने की कोशिश की गई, संभाल लिया गया है और ये काउंटर आया है कैसा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये खेल बहुत प्यारा होने वाला है। तो अकबर नसीरपुर अगर हो दोस्तों, गेट पर रियाज भाई आपका इंतजार कर रहे हैं, गेट पर रियाज भाई इंतजार कर रहे हैं, शायद जो घर जाना चाह रहे हैं रियाज भाई। तो अकबर नसीरपुर वास्ता मिल रहे, आपका फोन रिसीव नहीं हो रहा है। बेहतरीन खूबसूरती के साथ संभालने की कोशिश की गई, संभाला गया है, टकरास कर दिया है, बेहतरीन मुकाबला आपके सामने चलता नजर आ रहा है। और यह नईम खान फ्रॉम सिरसाई, 2 बराबर का स्कोर यहाँ पर है, 2 बराबर का स्कोर यहाँ पर लिखा जा रहा है, दोनों टीमें संघर्ष करती नजर आ रही है। एसएचके कलेक्शन कासिमगंज बिलियागंज आपका शुक्रिया, बेहतरीन खूब जैसा बच्चे सही तरीके से कैसा था आप लेकिन संभालने की कोशिश कदम साफ इनकार किया कामयाबी चूमने से मैंने कहा यहां पर ये 2 बराबर का स्कोर है, 2 बराबर का स्कोर। और कुछ मैं देख रहा हूँ दोस्त, लोहरा के लोग भी इस मुकाबले को देख रहे हैं और बहुत सारे लोग इस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। एक और उमदा सर्विस सही पास किया गया और ये तेज प्रहार, व्हाट अ शॉट बाय सनी सहानी, बेहतरीन मेरे कहा सहानी अपने गेम को शो कर रहा है और बिल्कुल जवाब दे रहा है यहाँ पर टीम जो उसके मध्य मुकाबले है राजवीर एंड कंपनी, प्लस गेम शो कर रही है दोनों टीमें। अगला मुकाबला किसका है, ये जायका दरबार अंजान शहीद और कटोली, जायका दरबार अंजान शहीद और कटोली टीम तैयार है। फिर यहां पर आप देख रहे हैं कि ये टच आउट कराने में कामयाब रहे, टच आउट कराने में कामयाब, बड़ा ही दिलकश मुकाबला, 2 बराबर का स्कोर, 2 बराबर के साथ ये खेल चल रहा है, दोनों टीम अपने गेम को खेल रही है। पंडित नगीना स्मारक और फिर मरतबा जीतने वाले टीम को योगिया साहब वेलकम बाबा 500 रुपए के नाम लगा दिया है, यह सचाव का शुक्रिया। जीतने वाली टीम को 500 रुपए के नाम वेलकम ढाबा जबड़ी तैयार है, मर्तबा बेहतरीन सर्विस, अच्छा पास किया गया और ये बैक साइड अच्छा बला किया वहां पर सत्यम, नतीजा ये होगा कि अपने मिशन में कामयाब रहा, मिशन में कामयाब रहा, पॉइंट अर्जित किया है, पहला सेट गंवाया है यहाँ पर टीम, जो पहला सेट गंवाई है वह टीम है अंजान शहीद, अनजान शहीद मौलाना आजाद इंटरकॉलेज से पहले से गवाया है, टीचरों में कोशिश कर रही है और ये टच आउट का इशारा है सभी जो टीम के स्कोर पर, शहीद इंद्रेश खान मेमोरियल आल यूपी वाली बाय गवर्नमेंट आपके सामने चलता नजर आ रहा है।
सही तरीके से ये खेल आपके सामने चल रहा है। तैयब भाई, ताहिर भाई और आरिफ भाई में देख रहा हूँ, ये तीनों बंदियों की जोड़ी इस खेल को देख रही है बड़ी खूबसूरती के साथ। 3-2 प्राइस पर अब्दुल वाहिद भाई नसीरपुर समाजवादी पार्टी नेता प्रेमियागंज भावी प्रत्याशी, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे देखे जा रहे हैं। और बेहतरीन अंपायर का इशारा हो चुका है, वेल का बहुत खूबसूरत अंपायरिंग हो रही है जाहिद भाई और हारिस आसमी के द्वारा, बेहतरीन अंपायरिंग। अब तक कोई किसी को बहस नहीं की गई और ये बेहतरीन खेल आपके सामने चल रहा है। 4-2 चक्के साथ इस मैसिंग सर्विस बट अंडर नेट। और बताया गया कि आदिल थरारा जो व्हील चेयर प्लेयर ऑफ इंडिया, व्हील चेयर के जो प्लेयर है इंडिया के लिए सेशन वाइज थरारा से है, बहुत सौभाग्य की बात है दोस्त। और ये अभी बांग्लादेश से खेल के आए, बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया था आदिल थरारा को, परवरदिगार ने सब कुछ दिया है आदिल को, पैर नहीं दिया कई वजह और वही वही अभी की क्या खूबसूरत गले के मालिक है, क्या खूबसूरत बदल पड़ लेते हैं। अच्छा क्रिकेटर है और सपना पूरा हुआ है, हिंदुस्तान के लिए खेला है, अपने राष्ट्र के लिए खेला है दोस्त। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, हर किसी का सपना होता है। तो आदिल आपको हार्टली कांग्रेचुलेशन, बिल्कुल घर से मुबारकबाद दे रहा हूं आदिल थरारा कि आपने अपने सपने को साकार किया है, व्हील चेयर प्लेयर के तौर पर हिंदुस्तान का रिप्रेजेंट कर रहा है ये चम के साथ सर्विस से सही तरीके से। और ये हाजरी बहुत बेहतरीन मैं देख रहा हूँ दोस्त, ये खेल चल रहा है SHK कलेक्शन कासिमगंज बिलियागंज, आपका शुक्रिया। बेहतरीन ये खेल आपके सामने, पैक्स आए तेज प्रहार लेकिन यहाँ पर गलती किया है 4-4, दोनों टीम का स्कोर बराबर हो गया है। तो अब्दुल वाहिद भाई नसीरपुर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये करना बड़ी इज्जत करता है, नसीरपुर से ताल्लुक है, समाज सेवी है, सोशल वर्कर है ये। और एक मरतबा फिर ये लंबा इसमें सर्वे का इशारा, प्लीज नो ऑब्जेक्शन अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन, 5 अगेंस्ट 4, 5-4, सब तैयार है चम के साथ, बेहतरीन सर्विस कर रहे हैं, एक बेहतरीन ये मुकाबला। और ये आप देख रहे हैं कि ये मिशन में कामयाब रहा अपने मिशन में दोस्त। ये महीना मार्च का चल रहा है, अप्रैल आने वाला है, लेकिन ठंडक ऐसी है जिसे मानो दिसंबर की है, जो ये दिन रात लग रही है जैसे दिसंबर की है। अशरफ भाई अध्यक्ष जी, डॉक्टर अंसार साहब इस मुकाबले का पूरा मजा ले रहे हैं, क्या जबरदस्त ये खेल, लेकिन ये बहुत प्यारा खेल दिखा रहा है सत्यम, कमाल का खेल दिखा रहा है सत्यम, अपनी टीम के लिए बेहतरीन योगदान दे रहा है। लेकिन कुछ करना होगा अनजान शहीद मौलाना आजाद इंटरप्राइज के खिलाड़ियों को, क्योंकि परिस्थित गुमा चुकी है टीम। नगीना इंटर कॉलेज बेहतरीन स्मारक डिग्री कॉलेज बेहतरीन गेम शो किया है। और ये तो प्लीज आप लोग अंपायर का जो फैसला होगा दोस्त वही मान होगा, अंपायर का जो फैसला दोस्त वो मान होगा, सबसे दिल साथ भी मुस्कुरा रहे हैं। और ये बिलाल साहब जमुनी पर देखे जा रहे हैं दोस्त, यहाँ पर मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये नौजवान चेहरा जो हमेशा खेल के साथ लगा रहता है, हमेशा खेल के साथ लगा रहता है, तैयार एक मौका फिर तेज, लेकिन संभाल लिया गया वहां पर, एक बेहतरीन ये गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस। और अंपायर का इशारा, ये टच आउट का इशारा यहाँ पर दोस्त ये अंपायर ने दिया है, फर्स्ट रेफरी हारिस आसमी ने यह इशारा दिया है टच आउट का, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ा प्यारा 6-4 का स्कोर है। सरफुद्दीन साहब का कहता है मैं देख रहा हूँ, जो मौलाना आजाद इंटर कॉलेज टीम के कोच बने बैठे हैं, बेहतरीन ये खेल आपके सामने। और पप्पू भाई 26 मुकाबले को देख रहे हैं लगातार, और बेहतरीन ये खेल आपके सामने, आप भी स्पोर्ट्स से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं जो दोस्त, बेहतरीन ब्लॉक का नमूना पेश, तेरे मेरे चक्कर में गेंद हुई डाउन, सर्व चेंज 5-6 का स्कोर है, 5-6 का स्कोर है, लग्जरी टायर डेकोर अबू शर्मा साहब सिंहपुर से शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपके इस यूपी 50 का लाइव दिखाने के लिए। 5-6 एक उमदा सर्विस, बहुत ही लाजवाब सर्विस, निजी पॉइंट सर्विस में इनका निजी पॉइंट। अगला मुकाबला जो खेला जाएगा जायका दरबार अंजान शहीद और कटेली, ये दोनों टीम बिल्कुल तैयार रहे, वार्म अप रहे, अपने आप को तैयार करें। पूर्व प्रधान सुभान भाई आपका भी शुक्रिया, जो स्कूल के आयोजन में आपको बहुत बढ़ चढ़ हिस्सा है। और मास्टर फरहान साहब 50,000 रुपए का दान किया है, तैयब भाई
ये तीनों बंधुओं की जोड़ी बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे इस खेल में, लोगों का शुक्रिया। और अब तो दयान शिष्य साहब आपका भी शुक्रिया जो इस खेल के साथ लगे हुए हैं। और बहुत दिलकश ये मुकाबला, तमाम लोग तख्त की निगाह लगा के देख रहे हैं कि क्या जबरदस्त ये मुकाबला शहीद इदरीस खान मेमोरियल वाले बार चल रहा है। वंदना सिंह चीफ गेस्ट ऑफ टूर्नामेंट, जिन्होंने 50,000 रुपए का काउंट किया है। तैयार शिष्य साहब सुभान साहबपुर प्रधान वाहिद भाई नसीरपुर, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। अब्दुल्ला नाम चिश्ती साहब और तो ये भाई, ये तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। वाहिद भाई नसीरपुर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो शाहिद भाई नसीरपुर को मैं देख रहा हूं इस खेल के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवार से हैं जहां पर प्यार बांटा जाता है, जहां पर लोगों के साथ मिलकर चलते हैं। शाहिद भाई और वाहिद भाई आपका शुक्रिया, एक उम्दा बेहतरीन संभाला गया यहां पर, क्या करेंगे। और ये वाइड स्मैश किया है राजवीर, बहुत आसिफ सल्लू साहब जो नगर पंचायत प्रत्याशी बिलियागंज बड़ा इनाम लगा रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। डॉक्टर अंसार साहब आपका भी शुक्रिया, और जो मोहम्मद आसरफ साहब अध्यक्ष जी जो वहां प्रधान पद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, 500 रुपए इनाम जीतने वाले टीम को दिया जाएगा। वेलकम ढाबा की तरफ से जीतने वाली टीम को 500 रुपए के नाम, और आसिफ सल्लू साहब वन बाउंस पर 500 रुपए के नाम लगाए हैं, वन बाउंस पर 500 रुपए के नाम आसिफ सल्लू साहब जो है नगर पंचायत प्रत्याशी हैं। बड़ा ही प्यारा मुकाबला चल रहा है दोनों टीम के बीच, कांटे की टक्कर है, नेट पे नेट में देख रहा हूं ये खेल चल रहा है, संभाला है यहां पर, और ये लंबा क्रॉस कर देंगे नईम खान ने संभाला है शॉट गेंद, और नईम यहां पर आए अपने मिशन में कामयाब रहे, सिर्फ उसको चेंज कराने में कामयाब। तो शाहिद भाई नसीरपुर जो एक अच्छे बिजनेसमैन दुबई के हैं, और वाहिद भाई जो समाज सेवी है बुलियागंज नगर पंचायत प्रत्याशी हैं हमारे बीच मौजूद, बेहतरीन मैंने कहा यह खेल चला है 6-7। सुभान भाई जो पूर्व प्रधान अनजान सही रहे कि सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, लड़ते और हाथ में तलवार भी नहीं, लक प्लेस में वंडरफुल शॉट, क्या जबरदस्त मैंने कहा यह खेल चल रहा है। अकबर नसीरपुर वासा गेट पर रियाज भाई से मिले, आपका बड़ा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ये खेल मुशरफ भाई बिलियागंज इस खेल के साथ बिल्कुल लगे हुए हैं, पूरा मजा ले रहे हैं इस खेल का। और फिर संभाला गया वाहिद भाई नसीरपुर और शाहिद भाई नसीरपुर, दोनों भाइयों की जोड़ी यहां पे है, और ये घराना बहुत प्यार देता है दोस्त, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं नहीं समझता कि मेरी फैमिली से ही, मैं तो समझता हूं कि शाहिद भाई या वाहिद भाई ये मेरे अपने परिवार के हैं। और डॉक्टर आरिफ साहब आपका शुक्रिया जो मैंने कहा बिना पारा से चल के यहां पे आए हैं, और अरफल साहब मैंने कहा जो कपड़ा गांव प्रधान है सुफियान भाई मिर्जापुर, इन तमाम लोगों का देखी गहराइयों से आभार। 8-6 का स्कोर है, 6-8 का स्कोर है, प्लस जीता है यहां पर। दूसरे सेट में भी कुछ बहुत बड़ा ये है पंडित नदीना स्मारक पीजी कॉलेज, और ये अनजान से इंटर कॉलेज की टीम पिछड़ रही है प्लस सेट कमाने के बाद, नाम पड़े हैं दर्शन छोटे हैं यहां पर टीम के, बहुत प्यारी टीम है, बड़ी अच्छी रेफरशिप की भूमिका निभा रहे हैं जाहिद भाई, एक बेहतरीन खिलाड़ी थे लेकिन अब एक अच्छे रेफरशिप करने लगे हैं, और आजमगढ़ का जाना पहचाना चेहरा है। टाइम आउट लिया गया यहां पर इस खेल के साथ हुए हैं SHK कलेक्शन कासिमगंज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए, बेहतरीन 100 रुपए के नाम द्वारा कमेंटेटरों को दिया है, बेहतरीन डिफेंड किया गया, एक मतलब फिर कासा बड़ा जहरीला ड्राफ्ट, बहुत ही ये दिलकश मुकाबला चल रहा है यहां पर, आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरती के साथ बड़े बड़े टूर्नामेंट का दोस्त अनाउंसमेंट हो रहा है। ये शहीद इदरीस खान मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, लेकिन 6 नवंबर 2023 में एक APL क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, आजमगढ़ क्रिकेट टीम में होगा, 15 टीमें होंगी, लीग बेस्ट खेला जाएगा, और
आजमगढ़ के 9 खिलाड़ी 2 खिलाड़ी बाहर से आएंगे, 70-70 चल दिखाएगा, 3,33,000 रुपए वहां सीरीज होगी, मैंने तो फर्स्ट प्राइज होगी, बहुत इनाम है और बहुत बड़ा टूर्नामेंट आजमगढ़ का आईपीएल होने वाला है। पूरे आजमगढ़ का टूर्नामेंट किसी एक टूर्नामेंट नहीं है और उसके मेहमानों का साहिब भाई नसीरपुर है, वाहिद भाई नसीरपुर है, सुभान प्रधान अंजाम शहीद है, तैयब भाई जायका दरबार, फातिमा हॉस्पिटल, ये सारे मेहमान उस एपीएल में जुड़ेंगे जो एक अलग किस्म का टूर्नामेंट होने वाला है। अभी ऐसा आजमगढ़ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं हुआ होगा दोस्त। मिर्जा सारे बेग जहां के दोस्त उनके पास में आ जाए, बहुत खूबसूरत ये वाइब स्मिथ, बहुत प्यारा मैंने कहा सत्यम का यहां पे ब्लॉक। तो अब एक लीड लेके चल रहा है मौलाना आजाद इंटर कॉलेज अंजान शहीद, 10-8 का स्कोर है, डॉक्टर आरिफ साहब मुस्कुरा रहे हैं और भाई जो खिलाड़ी खाना नहीं खा रहे तो वो बयान चीज से साफ के करते आपका दिन आपका इंतजार कर रहा है। व्हाट अ शॉट, टूर्नामेंटल शॉट, बहुत ही लाजवाब, आउटस्टैंडिंग था दोस्ती, बहुत ही यहिया साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जीतने वाली टीम को 500 रुपए का इनाम दिया है, वेलकम ढाबा यहिया भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साहिब भाई नसीरपुर और वाहिद भाई नसीरपुर मेहमान खास बन के आए हैं। एक मरतबा से ये बेहतरीन खेल है, बहुत ही प्यारा खेल और जो टीमें दोस्त उसमें पर नहीं है, जो टीम खरीदेंगे लोग, जो टीम लेंगे 50,000 उन्हें देना पड़ेगा, कमेटी को 15 टीमें होगी, बहुत शानदार टूर्नामेंट होने वाला है 6 नवंबर को, आप आइएगा तो देखिएगा क्या जबरदस्त ये खेल चल रहा है यहाँ पर। और बैक से आए हेलो का सब और फिर मरतबा व्हाट अ शॉट बाय सत्यम, बहुत ही लाजवाब, आउटस्टैंडिंग, बहुत जावेद नगर पंचायत बलियागंज, बिलाल साहब जमुई बीडीसी, आसिफ सल्लू साहब गुलवा गौरी नगर प्रत्याशी बलियागंज हमारे बीच मौजूद है, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप लोग इस खेल में आए हैं। क्या दिलकश खेल चल रहा है, कोई भी टीम हार मानने को तैयार नहीं है, क्या तीनों सेट खेला जाएगा और पप्पू भाई छाऊ मैं देख रहा हूं इस खेल के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, मास्टर फरहान साहब का बहुत बड़ा टाउन है, 50,000 रुपए का टाउन मास्टर फरहान साहब अंजान शहीद का है, और दोस्त ये मिर्जा शारिफ साहब एक मोमेंटो और एक शाल पहनाएंगे, सम्मान करेंगे वही भाई नसीरपुर को, तो शुक्रिया अहले अंजान शहीद। तो मिर्जा शारिफ साहब ये सम्मान सम्मानित करेंगे वही भाई नसीरपुर सोशल वर्कर जो नगर पंचायत बिलियागंज प्रत्याशी हैं, जहर पर ये सब याद है, जहर पर बार 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 याद करवा रहे हैं, लेकिन ये सब मैं देख रहा हूं बहुत प्यारा ये खेल चला है, बाबू जावेद साहब नगर पंचायत प्रत्याशी बिलियागंज और वही भाई के दोस्त मैं देख रहा हूं ये मोमेंटो और एक शाल मिर्जा शारिफ साहब पहनाएंगे, तैयार चिश्ती साहब भी जा रहे हैं, सुभान भाई पूर्व प्रधान भी जा रहे हैं, तो ये वही भाई को एक सम्मान दिया जाएगा, ये समाजवादी पार्टी का ये उभरता हुआ चेहरा है और नगर पंचायत प्रत्याशी बिलियागंज से है वाहिद भाई, ये बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक, बड़े अच्छे इंसान है, लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, अलीगेरियन है, अलीगढ़ टीम से वॉलीबॉल खेला है, बहुत प्यारा लगा इनसे वॉलीबॉल से रहा है, यहां मौजूद है मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं वाहिद भाई नसीरपुर और शाहिद भाई नसीरपुर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर ताहिर भाई मेरे कहा फातिमा हॉस्पिटल के ओनर मुस्कुराते, जब भी मुस्कुराते हैं मानो कहीं से फूल खिल जाता है, सुभान भाई क्या क्या कहना दोस्त, पर्वत दिगार ने पूरे फुर्सत से बनाया है, बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक, तो ये सुभान भाई मैं देख रहा हूं कि सादगी पे गांव ना मर जाए, ऐ खुदा लड़ते हैं हाथ में तलवार भी नहीं, ये सुभान भाई है खूबसूरती के साथ लेके फिर वहां पे आए सहनी, बेहतरीन मैं देख रहा हूं गेम शो कर रहा है, बहुत ही लाजवाब, तो ताहिर भाई को ठंडक लगने लगी है, एक शाल संभाल रहे हैं कि ठंडक से बचा जाए, तो बहुत ही
खूबसूरत खेल को सिर्फ भाई देवगंज मुस्कुरा रहे हैं। व्यास भाई भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आ चुके हैं इस खेल के लिए, बहुत ही शानदार बहुत खूबसूरती के साथ मैं देख रहा हूँ ये खेल चल रहा है। यहाँ फिर वहाँ पे कराए गए हैं और विलका वेरी विलका। तो सुभान भाई के लिए कहा गया कि पत्ता पत्ता बोटा बोटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाप तो सारा जाने है। ये सुभान साहब पूर्व प्रधान अनजान शहीद है और मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर अंसार साहब जो वसीम अकरम का खिताब मिला था, असरफ भाई अध्यक्ष जी और वाहिद भाई नसीरपुर को सम्मानित किया है यहाँ पर शाहरुख साहब मिर्जा शाहरुख साहब, तो ये इस चीज के काबिल भी हैं। वाहिद भाई नसीरपुर जो बिल्कुल समाज के साथ जुड़ के रहते हैं, यहाँ पे 13 ओवर है तो अच्छा दूसरा टाइम आउट लिया गया है। बहुत खूबसूरत मैं देख रहा हूँ गेम शो कर रहा है मौलाना आजाद इंटर कॉलेज अनजान शहीद। पहला सेट गंवाने के बाद इस सेट में क्या जबरदस्त गेम शो कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत ये खेल। मसरफ भाई अब मुस्कुरा रहे हैं कि बेहतरीन ये खेल आपके सामने देखा जा रहा है और ये खेल प्रेमी है, खेल कहीं भी हो मसरफ भाई देखे जाएंगे, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने पे हो मसरफ भाई देखे जाते हैं। 13 ओवर का स्कोर है, बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने खेल को दिखाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है दोनों टीमें। और ये हुआ साहब वेलकम भाव आपका शुक्रिया। और ये वाओ वंडरफुल शॉट बहुत ही लाजवाब अपनी टीम को शो कर रहे हैं। तो वाहिद भाई नसीरपुर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खेल में हिस्सा लेने के लिए। और ये खेल क्या जबरदस्त हो रहा है, कोई टीम हार मानने को तैयार नहीं है, जबरदस्त तैयार चिश्ती साहब पूरे ग्राउंड का कष्ट कर रहे हैं। संभाला गया लेकिन ये गलती हुई है और सभी चेंज हो जाएगी। तो 13 ओवर कर सको एक लंबा हजूम यहाँ पे देखा जा रहा है। वाहिद भाई नसीरपुर में है जो समाज सेवी है, नगर पंचायत प्रत्याशी बलिया गली से है, संभाला गया है, क्या करेंगे। सल्लू भाई सम्मान सल्लू साहब आपका बहुत शुक्रिया, ये भी नगर पंचायत प्रत्याशी है। और बाबू जावेद भाई नगर पंचायत प्रत्याशी भी है और बिलाल अहमद साहब चमड़ी आप भी इस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप इस खेल के साथ बिल्कुल लगे हुए हैं। एक दिलकश मुकाबला आपके सामने, फिर आप पैक से आकर तेज पहाड़ खूब पे डिपेंड किया गया, संभाल लिया जाएगा और ये काउंटर पे कराया लेकिन विल ब्लॉक बहुत ही प्यारा ब्लॉक कर रहे हैं टीम। फिर यहाँ पर टच का चक्कर तक संभाला गया है, क्या करेगा काउंटर, लेकिन गलती कर बैठा है सत्यम गलती कर बैठे हैं। क्या जबरदस्त ये मुकाबला चल रहा है और इसे 10 और 13 है, 10-13 का स्कोर है, बेहतरीन ये खेल चल रहा है आपके सामने। ये जबरदस्त अनजान शहीद के इस ग्राउंड पे शहीद इदरीस खान की याद में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है कि शहीदों की मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो यही शहीद इदरीस साहब की याद में ये टूर्नामेंट मुनक्कित किया गया है और जिसके बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सलमान सल्लू साहब जो खेल का पूरा मजा ले रहे हैं शाम से बैठे हुए, क्या खासला वो मंजर भी आएगा बेहतरीन। और ये अंपायर हाँ इसका इशारा हो चुका है, प्लीज नहीं, नो ऑब्जेक्शन अंपायर डिसीजन। 10 और 13 का स्कोर है कि रात की रानी रात में अच्छी लगती है, जैसे नदी बरसात में अच्छी लगती है, वैसे तो सब रस्मों का कर्ज चुकाते हैं वरना मेहंदी तो सिर्फ गोरे हाथ में अच्छी लगती है। खिलाड़ी वही अच्छा लगता है जो वेल डिसिप्लिन हो, जो अंपायर के फैसले को सर झुका के मान ले। और ये सत्यम कोई तरफ डिपेंड किया गया है लेकिन लंबा कास किया संभाल लिया गया है बड़ी चतुराई के साथ, वंडरफुल शॉट। तो अनजान शहीद के तमाम लोगों का शुक्रिया जो इतना खूबसूरत कमेंट कराया है कि गुलिस्तान छोड़ के बुलबुल चली आई है, ये सुनकर लगाया है किसी गुलरों ने गुल चुन चुन के उस ग्राउंड पर। 13 और 10 का स्कोर है, शाहिद भाई नसीरपुर इस खेल के साथ लगे हुए हैं। मसरफ भाई अब बेचैनियां बढ़ रही मसरफ भाई की, रियाज भाई इस खेल से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं लेकिन क्या जबरदस्त मुकाबला है। और यासिर अरफात जो मैं देख रहा हूं कि एमएम स्पोर्ट 70-70 का ओवर मुकाबले को देख रहा है। अकबर जिसे क्रिकेट की दुनिया की काली आंधी कहा गया, जो तूफान बपा करता हुआ भी इस मुकाबले को देख रहा है, ये तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
Ikmat Kafiru, what a shot by Sahani, what a shot, tournamental shot, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, तो Sahani का गेम देखकर सब लोगों ने यही कहा है। अफजल भाई और रस्ता भाई नसीरपुर और अफजल भाई वो नाम है जो अकबर के पिता से ही है, आपका बहुत शुक्रिया। बेहतरीन मैंने कहा रहा है यहाँ पर, क्या जबरदस्त गेम शो कर रहा है। यहाँ पे दोनों टीमें हार मानने को तैयार नहीं है। तैयब भाई जायका दरबार ट्रॉफी को बार बार देख रहे हैं, बार बार ट्रॉफी को देख रहे हैं तैयब भाई, और बेहतरीन मैंने कहा रहा है ये खेल खूबसूरती के साथ संभाल रहे हैं। और ये ताहिर भाई फातिमा हॉस्पिटल के ओनर कह रहे हैं एक बार से जी नहीं भरता मुड़ के देख दोबारा, ये ट्रॉफी बड़ी खूबसूरत है जो मुड़ मुड़ के बार बार लोग देख रहे हैं। 13-10 का स्कोर है, 13-10 का स्कोर यहां पर है, बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी टीम को शो कर रहे हैं, संभाला गया है। क्या करेंगे शार्दुल की यहां पर है का सब कुछ किया है सरफुद्दीन साहब, कटाका के बहुत सारे लोग दोस्त सोहरा भाई कटाका भी देख रहे हैं, बहुत जितने भी लोग आए हैं तमाम लोगों का शुक्रिया, जिनका नाम मुझे याद आ रहा है मैं नाम ले रहा हूँ, जिनका नाम नहीं ले पा रहा उनका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। वाहिद भाई नसीरपुर एक ऐसा घराना कि कभी भी मैं जाऊं मेरे में दरवाजा खुला रहता है, और शाहिद भाई जो दुबई के बड़े बिजनेसमैन यहां पर, और ये जबरदस्त मेरे तरह